हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं ऑल इन वन हेल्प। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर की ज्वाइनिंग के बारे में। तो दोस्तों, बेल्ट्रॉन की ओर से एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी हुई है जो कि KYC के बारे में है। तो दोस्तों, चलते हैं बेल्ट्रॉन की ऑफिशियल वेबसाइट की ओर, जहाँ से आप देख सकते हैं कि बेल्ट्रॉन ने KYC को लेकर एक लेटेस्ट नोटिस जारी की है, जिसमें क्या मेंशन किया गया है वो हम यहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों, हम इस नोटिफिकेशन को यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। अपडेट नोटिस फॉर अनएम्प्लॉयड KYC, तो हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं। दोस्तों, बेल्ट्रॉन बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पत्रांक नंबर 293/2020। दोस्तों, ये आज के डेट में दिनांक 30 सितंबर 2020 की है, जो अभी अभी बस आप 5 मिनट पहले साइट पे अपलोड की गई है। तो दोस्तों, सूचना क्या है? अनडिप्लॉयड KYC प्रक्रिया को अब तक पूर्ण नहीं करने वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, उनके लिए अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है 5 अक्टूबर 2020, यानी कि दोस्तों आज से 5 दिन और बढ़ा दी गई है। फर्स्ट क्या है, अब तक जितने भी स्टूडेंट हैं जो KYC नहीं किए हैं, लगभग 300 ऐसे कैंडिडेट हैं जो KYC का रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, उनके लिए ये नोटिस है। और दूसरा है हमारा, अब तक 100 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने भौतिक आवेदन पुनः प्रतिनियुक्ति हेतु बेल्ट्रॉन में समर्पित किया, यानी कि सुधार हेतु बेल्ट्रॉन को भौतिक आवेदन किया है, खुद से जाके वहाँ बेल्ट्रॉन में आवेदन किया है, ना कि ऑनलाइन। और तीसरा है, जो भी भौतिक आवेदन में आरक्षण कोटि, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम और मदर्स नेम और उनकी वैवाहिक स्थिति इत्यादि को परिवर्तन हेतु, यानी कि सुधार करने के लिए जो फॉर्म दी गई हैं, जो एप्लीकेशन दी गई हैं, उस पर अभी काम चल रही है। उन सारे कैंडिडेट्स के अभी तक कोई सुधार नहीं हुए, जिनके कारण सुधार के कारण ही आपके KYC के डेट को 5 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है, यानी कि 5 अक्टूबर 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो जिन छात्रों का अभी तक KYC, वो जो 300 कैंडिडेट हैं जिन्होंने अभी तक KYC का रजिस्ट्रेशन तक नहीं किया है, वो जल्द से जल्द KYC का रजिस्ट्रेशन कर ले, जिनके कारण अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है, उनके कारण ही अभी तक KYC की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। अगर KYC की प्रक्रिया पूरी हो जाती तो अब तक ज्वाइनिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती। तो दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जो भी कैंडिडेट हैं जो KYC अभी तक नहीं किए हैं, वो जल्द से जल्द अपना KYC कंप्लीट करा लें। और अपने जो भी कैंडिडेट हैं जो बेल्ट्रॉन ऑफिस में लेटर दिए हैं सुधार के लिए, वो एक बार अपने एप्लीकेशन के स्टेटस को ज़रूर चेक कर लें कि उनका सुधार हो गया है या नहीं। तो दोस्तों, आप इसी तरह हमारे चैनल पे बने रहिए। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे बेल्ट्रॉन के लेटेस्ट अपडेट और नोटिस के साथ।